सिमरिया चौकी प्रभारी पर लगे सरपंच व उप सरपंच के साथ मारपीट के आरोप चुरहट SDOP की सौंपी गई जांच। सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत सिमरिया चौकी में पदस्थ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धर्मन सिंह राजपूत के ऊपर मड़वा पंचायत के सरपंच सुरेश चौधरी व उप सरपंच हनुमान साहू के साथ मारपीट तथा गाली गलौज के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा SP ऑफिस का घेराव किया गया है तथा SP को ज्ञापन सौंपा गया एवं कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं रात के समय लगभग 8 से 9 बजे के आसपास घायलों के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अंजुलता पटेल का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इस पूरी कार्यवाही को लेकर चौकी प्रभारी को हटा दिया गया है तथा चुरहट SDOP की जाँच सौंपी गई है। क्या घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? सर, मैं चौकी सिमरिया गया था। हाँ। ग्राम पंचायत क्षेत्र मड़बा का सरपंच हूँ। हाँ। सुरेश कुमार चौधरी। हाँ। तो ये भाई भाई का थोड़ा आपस में विवाद हो गया था। हाँ। बाबूलाल और राम भवन का। हाँ। तो राजीव जायसवाल राम भवन का लड़का 100 नंबर डायल किए। हाँ। अपने सुरक्षा के लिए, तो 100 नंबर गई और राजीव को संदीप को उठा लाई। तो राजीव की मम्मी आई मेरे पास कि इस लाला सरपंच चली हमारे लड़कन का पुलिस वाले लग गए। हाँ। वो बाबूलाल जो है तो मारपीट कर रहा था, बाबूलाल का नहीं लग गए, हमारे लड़के का लग गए। तो आपके साथ पुलिस ने क्या किया? तो फिर मैं चौकी गया। तो मैं गया तो कुर्सी में बैठ गया, कहा सर इन लोगों को फरियादी लोगों को क्यों लाए हैं? लेकिन तुम माधरचोद मेरे को नेतागिरी दिखाओगे, तुम सरपंच ही तुम्हारी गांड में घुल, माधरचोद चमार हो गए, तुम्हारे सामने कुर्सी में बैठ रहे हो, कुर्सी में बैठते हो माधरचोद, तुम विधायक बनोगे, तुम नेता हो, तुम मेरे को पगार देते हो माधरचोद, तुम फैसला करोगे, मैं करूँगा। वो मारने लगे, पहले हम बाहर खड़े थे नई वाली बिल्डिंग में, इसके बाद जो है तो राजीव राजकुमार मिश्रा और मनीष कुमार शुक्ला जी पीटने चालू कर दिए, मारना चालू कर दिए पाइप से, हाथ से। तो मादर माँ बहन को गाली दे रहे थे, शब्द सूचक शब्द से गाली दे रहे थे कि चमार होके तुम मादर चौथ नेतागिरी करने आए हो, हमको सिखाने आए हो, तुम हम आदर चौथ पंचायत में जा सरपंची करें, हम आदर चौथ चौकी आए, हम आदर चौथ गांड घुरे देंगे तुम्हारी नेतागिरी। इसके पुरानी वाली में ले जाके हमको 8 लोग पुलिस सैनिक और आरक्षक और धर्मेंद्र सिंह राजपूत मेरे सीने में चढ़ गया था और बाकी लोगों से पिटवा रहा था। यहाँ पे 100 लाठी बजी है सर, ये फ्रैक्चर भी हो गया शायद, हमारा पैर नहीं उठ रहा है और 200 लाठी पीछे बजी है, गोरू गदहे की तरह पीट रहे थे। कसूर क्या था आपका? कसूर यही था कि मतलब समझौता कराने चला गया कि आपस में विवाद हुआ तो भाई समझौता करा दे सरपंच के नाते, हो गए फालतू आगे का काम न बढ़े। ठीक है, यही फिर माँ बहन की गाली देने लगे और चमार बोले कि इन चमार हो के मादर चो तुम नेतागिरी करते हो सरपंच हो। सब हमारे चाचा और हमारे पापा बातचीत कर रहे थे आपस में, चाचा ने हमने 100 नंबर को कॉल किया, हमको 100 नंबर वाले को बताया कि हमारे चाचा को वापस मंगा दीजिए। हमारे चाचा देखते ही 100 नंबर को भाग दिए और जब भाग दिए तो 100 नंबर आकर हमारे भाई को और हमको पकड़ ले गई। उसमें फिर थाना पर HOP प्रभारी आए धर्मेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने आया तो हमें बैठाया और ले गया ज़बरदस्ती आए, तो हमारे भाई को मार रहे थे, हम कहें साहब क्यों मार रहे हैं? फिर हमें बोले कि अरे वो जात सूचक गाली दिए और मेरे साथ भी मारपीट किए और मुझे बोला कलेक्टर बनोगे, भोसड़ी वाला कलेक्टर बनोगे तुम, कलेक्टर की तैयारी करो, कलेक्टर बनोगे साहब, मैं UPSC की तैयारी करता हूँ, मेरे साथ इतना मारपीट किए हैं, फिर हमें ये आँख में चोट लगी हुई है, मुझे जूता 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 चप्पल का माला बनाकर पहनाया गया, मैं बेहोश हो गया था, वहीं मार मार कर पानी डाल डाल कर मारे हैं साहब मुझे। और क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? सर मैं न्याय चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम राजीव जायसवाल है। क्या पूरा मामला है? लोग चौकी सिमरिया का जो है क्षेत्राधिकार का मामला है, जिसमें विभिन्न प्रकार से आज जो है दिन भर में 2-3 लोग जो है अलग अलग प्रकार का ग्रुप जो है ज्ञापन भी दिया इसमें, और इस संपूर्ण प्रकरण में जो है जांच हेतु जो है SDOP चुरहट को जांच हेतु निर्देशित भी किया गया, जिसमें जो मड़वा गांव के सरपंच है और वहां के उप सरपंच और अन्य ग्रामीण जो जन है उनके द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गई कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। साथ ही इसमें प्रकरण दो पक्षों के बीच के विवाद का भी था, तो इस मद्देनज़र जो है जो SDOP चुरहट है उनको जाँच हेतु कहा गया। साथ ही
वर्तमान में जो है थाना जो चौकी प्रभारी जो हमारे सिमरिया है उनको जो है हटा दिया गया है ताकि इसमें जांच में शुचिता बनी रहे। बाकी इसमें फर्दर जो जांच हो रही है, जांच होने के पश्चात जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उन सभी तथ्यों के आधार पर जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।